नमस्ते, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। जीवा को स्कूल के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। जीवा ब्रश कर रही है, उसका टिफ़िन तब तक मैं रेडी कर रही हूँ। और जीविशा वो भी अभी शांत बैठी हुई है। जब तक वो शांत है मैं जीवू को रेडी कर देती हूँ, वरना वो बहुत परेशान करती है क्योंकि उसको लगता है कि मैं जीवा को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ। फिर वो रोने लगती है, उसे लगता है कि मुझे क्यों नहीं ले जा रही है ना। बच्चों की एक साइकोलॉजी ऐसी होती है। ये कैटल में मैं पानी हल्का गुनगुना कर रही हूँ क्योंकि स्कूल में हल्का वार्म वाटर ठीक रहता है बच्चों के लिए। जब तक जीवा ब्रश कर रही है मैं आपको दिखाती हूँ मॉर्निंग का व्यू। ये रहा आज का व्यू। धूप है और हल्की सी वेदर में ठंडक भी है। ये व्हाइट वाला रोज, कल मैंने ये वाला रोज नहीं दिखा था आपको। तो लिया बाबू मुखी, चलो ठीक है, दो। हाँ, ये रहा जीवा का टिफिन और बोतल। मैं इसको रखती हूँ बैग में, पैक करती हूँ। मैं हूँ जीवा के साथ रास्ते में, जीवा को छोड़ के आ रही हूँ मैं स्कूल। जीवा को छोड़ के आ गई हूँ मैं। मैंने कुछ सामान भी ले लिया है कि बार बार आना जाना थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि जीविशा भी परेशान करती है, तो थोड़ा बहुत सामान मैंने ले लिया है। और आज दूसरी नवरात्रि है। आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीविशा को मुझे नहलाना है, चलो पानी इकट्ठा कर रहे हैंडपम्प से क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन का वाटर बहुत दिन हो गए नहीं आ रहा है। 8 दिन हो गए हैं पानी नहीं आ रहा है, तो ये हैंडपम्प से ही काम चलाना पड़ रहा है। जीविशा ने नहा लिया है और ये दुबक के बैठी हुई है। अच्छा लग रहा है नहा के? फ्रेश लग रहा है बाबू? अच्छा चलो ठीक है, अब कपड़े पहनते हैं। हाँ, हाय कर दो। चलो हाय हाय एवरीवन बोल दो। चलो चलो पहले मालिश करते हैं। तो जीविशा की मैं मालिश कर रही हूँ, उसके बाद फटाफट मैं इसे पहनाती हूँ कपड़े। करने दो, उठो मत, मालिश उठना नहीं। बस यहाँ पे क्या है बाबू? ये तिलोलिया उड़ गई। तो ये कुछ बर्तन है, कुछ क्या, बहुत सारे बर्तन है क्योंकि बहुत ज्यादा बर्तन हो जाते हैं सुबह। चाय से लेकर नाश्ते के इन बर्तनों को मैं सेट कर देती हूँ फटाफट से। जीविशा अभी सोई हुई है, जीविशा सोती है थोड़ी देर के लिए, तब मैं छोटे मोटे काम निपटा पाती हूँ अच्छे से, अदरवाइज फिर बहुत परेशान करती है, उसको गोदी पकड़ के सारा काम करना पड़ता है। तो एक्चुअल में ये इशू है। सही है, तो मैंने सोचा तब तक आपको मैं कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ। पूरा फोटोग्राफ्स का कलेक्शन है जो यहाँ पे सजाया हुआ है, आपको मैं दिखाती हूँ। अपने बचपन की फ़ोटो भी दिखाऊंगी मैं आपको। आप बता रहा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, आपको अपने बचपन की याद आई मेरी फ़ोटोज़ में, तब मैं और अभी मैं आपको क्या बदलाव आया, या फिर सेम मैं वैसी हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये एक ये है मेरे बचपन की फ़ोटो। अब आई थिंक ये अराउंड 4-5 साल की ये एज की लग रही है मुझे। और ये फोटो तो खैर मेरे ब्रदर की है। फोटो देखो, ये हूँ मैं। ये आई थिंक मुझे लग रहा है मैं 4-5 मंथ्स या अराउंड, मतलब अंडर 1 ईयर की एज ग्रुप की लग रही है मुझे ये फोटो। मैं मम्मी से एग्जैक्टली पूछूंगी ये कब कितने साल की है ये फोटो। और
एक और ये फोटो, ये भी मेरी फोटो है, आप ये देखो। और ये मेरी शादी की फोटो, ये मेरे पेरेंट्स और ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ। एक ये फोटो है, आप ये देखिए, और बहुत बड़े शोरूम से ली थी मैंने ये साड़ी। और ये मेरी है, मेहंदी के दिन मैंने ये साड़ी पहनी थी, संगीत पे पहनी थी एक्चुअली। मेहंदी पे फिर मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। किसी दिन मैं आपको अपनी साड़ी का कलेक्शन दिखाऊंगी, तो अपनी पूरी शादी वाली जो टाइम मैंने साड़ियां ली थी वो पूरा कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने संगीत पे पहनी थी साड़ी। जीवा स्कूल से आ गई है, हाथ मुख धो रही है जीवा। स्कूल से आने के बाद मैंने आदत लगाई है हाथ मुख धुलाने की, काफी फ्रेश फ्रेश फील होता है, फ्रेश फील होता है ना बच्चे। चलो धो। जिविशा मेरी बिंदी के साथ खेल रही है और रात के खाने की तैयारी अब करते हैं हम बनाने की। इसी के साथ मैं व्लॉग को भी एंड कर रही हूँ। हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप जरूर बताना, कमेंट करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।